हेलो लर्नर्स, हेलो स्टूडेंट्स। इन दिस पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी ग्रुप प्रेजेंट कैसे करते हैं लैबोरेटरी के अंदर। ग्रुप प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा रेडिकल किस ग्रुप के कैटेगरी में आता है। पहले हम बात करें जीरो ग्रुप की, जिसका ग्रुप प्रेजेंट होता है NaOH। ग्रुप प्रेजेंट वो केमिकल होता है जो उस ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके अंदर फिर बात करते हैं रेडिकल्स कौन से होते हैं, तो हमारा कैटायन कौन सा होता है, इसके नाम अमोनियम के आयन। अब आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और गिवन सॉल्ट, सपोज करिए हमने अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया हुआ है, मैंने उसका एक पिंच ऑफ सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में पोर करूंगी। एंड देन वी विल एड सम ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एज ए ग्रुप रिएजेंट वर्क करता है। अब देखिए उसके अंदर क्या रिएक्शन होती है, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ। NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस अमोनियम गैस निकलेगी, तो आपको व्हाइट फ्यूम्स आएंगी जब आप इन दोनों को ऐड करते हो और हल्का सा हीट करते हो, तो आपको व्हाइट फ्यूम्स निकलती हुई नजर आएंगी टेस्ट ट्यूब से। और उसको अगर स्मेल करेंगे तो आपको अमोनिया की स्मेल आएगी। अगर आपको अमोनिया की स्मेल आ रही है विद व्हाइट फ्यूम्स, दैट मीन्स कि आपका जीरो ग्रुप सस्पेक्टेड है। आपको जीरो ग्रुप का आइडिया हो गया, क्योंकि अमोनिया गैस सिर्फ अमोनियम आयन से निकलती है जो कि जीरो ग्रुप का रिएजेंट होता है। अब आप करेंगे उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट कि आपको जो सब्सटेंस मिला है वो बेसिक है नेचर में या एसिडिक है। उसके टेस्ट करने के लिए हम लिटमस टेस्ट करते हैं। आप रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे किसके अंदर, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। अगर आपका लिटमस रेड टर्न हो गया ब्लू में, दैट मींस आपका सब्सटेंस क्या है, बेसिक। बिकॉज हम जानते ही हैं अमोनिया, अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब आप नेक्स्ट टेस्ट करेंगे कि आपको जो आपने सब्सटेंस बनाया है वो कन्फर्म है कि नहीं है। जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही थी, अमोनिया गैस इमिट हो रही थी यहाँ पे, उसी फ्यूम्स के सामने आप एक ग्लास रॉड लाएंगे, ग्लास रॉड को डिप कर लेंगे किसमें, HCl में। HCl का डिप्ड ग्लास रॉड अगर आप लेकर आएंगे किसके पास, उसके फ्रंट माउथ पर लेकर आएंगे, जो फ्यूम्स निकल रही हैं, तो वो फ्यूम्स जो व्हाइट फ्यूम्स थी वो क्या हो जाएंगी, व्हाइट फ्यूम्स डांस हो जाएंगी। अगर आपकी डांस हो रही है व्हाइट फ्यूम्स, दैट मीन्स HCl के साथ, तो आपका क्या है, कंफर्म हो रहा है कि आपका अमोनिया है। क्या रिएक्शन हो रही है, क्यों डांस हो रही है, क्योंकि अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बना देता है अगेन, जिसकी फ्यूम्स होती हैं डांस, एकदम व्हाइट फ्यूम डांस आएंगे। अभी आपको और भी कोई कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपने जो अमोनियम आयन लिया था यानी सॉल्ट लिया था, उसकी रिएक्शन आप नेचुरल रिएजेंट से कराएंगे। नेचुरल रिएजेंट क्या होता है, आप नेचुरल रिएजेंट की केमिस्ट्री जानते हैं, नेचुरल रिएजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4। इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरस आयोडाइड को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिएजेंट बोलते हैं। अब क्या करेंगे आप कि आपने लिया सॉल्ट, जो आपको गिवन सॉल्ट मिला था जिसके अंदर अमोनियम आयन्स थे, उसमें आपने ऐड करा NaOH, तो आपको क्या मिला था, अमोनियम प्लस वाटर मिला था प्लस आपको NaCl मिला था। इसी के सामने जब आप क्या लेकर आएंगे, नेशनल रिएजेंट को लाएंगे, तो नेशनल रिएजेंट्स से हमें क्या मिल जाएगा, रेडिस ब्राउन PPT मिलेगा। इसी के अंदर अगर आप रेडिस ब्राउन PPT मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर आपको रेड PPT मिल रहा है किसके साथ, सॉल्ट के साथ, क्या नेशनल रिएजेंट ऐड करने पर, तो आपकी अमोनियम आयन कन्फर्म हो गया है। तो यहाँ पे हमने किया, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑब्जर्वेटरी टेस्ट या प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिसमें आप ग्रुप रिएजेंट ऐड करके हीट करेंगे, अमोनिया की स्मेल आएगी, व्हाइट कलर की फ्यूम्स आएंगी। उसके बाद आप उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, नेचुरल रिएजेंट एंड HCl यूज करेंगे। उस फ्यूम के सामने अगर आप HCl लाएंगे तो वो व्हाइट डांस कलर की फ्यूम्स बन जाएंगी, यानी डांस हो जाएंगी व्हाइट कलर की फ्यूम्स। और जब हम नेचुरल रिएजेंट उसमें ऐड करेंगे तो हमें रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा,
जिससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सब्सटेंस क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है और अमोनियम आयन प्रेजेंट है। तो ये था जीरो ग्रुप का। नेक्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।